नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। कोरोना की वजह से देश में आतंक मचा हुआ है, वैसे ही कुछ अंधश्रद्धालु, ढोंगी, झोला छाप डॉक्टर इसका बड़ा फायदा भी उठा रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए कुछ लोग इस पर भरोसा भी कर रहे हैं। कोरोना आए हुए एक साल से ऊपर हो गया और कितने ही फ्रॉड लोगों ने इसका फायदा उठाया। मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो कोरोना को गौमूत्र से ठीक कर रही है। उन्होंने पिछले दिनों ये भी दावा किया था कि उनका जो कैंसर है वो भी गौमूत्र से ठीक हुआ था, लेकिन बाद में KGMU जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके डॉक्टर्स ने खुलासा किया था कि साध्वी प्रज्ञा झूठ बोल रही है। उन्होंने बाकायदा सर्जरी कराई थी अपने कैंसर को लेकर। उसके बाद उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तब भी एक बयान दिया था, गाय के ऊपर से हाथ फेरने से आपका BP कंट्रोल रहता है। अब एक और बयान उन्होंने दिया, अगर आपको कोरोना से बचना है तो गौमूत्र पिएंगे तो आपके फेफड़ों का इन्फेक्शन सही हो जाएगा। और यही वजह है कि साध्वी प्रज्ञा अब कोरोना संक्रमित नहीं हुई है, क्योंकि वो गौमूत्र पीती है। जहाँ पर लोग वैक्सीनेशन के लिए वेट कर रहे हैं, बोलते हैं वैक्सीनेशन है जरूरी, वाकई में अगर गौमूत्र से सब कुछ ठीक हो जाता है तो शायद हमारे देश से ज्यादा गौमूत्र किसी के पास नहीं होगा। और गाय का, देशी गाय का पालन करिए, देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्थ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे कहेगा कि मैं उस चीज का उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। और प्रार्थना करके लेती हूँ कि आप हमारे लिए अमृत का के स्वरूप है, हम मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें कि मेरा जीवन बच सके। और इसलिए गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है।